राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है और रहा भी है और आज भी है, और भगवान की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से इसी प्रकार रहेगा, क्योंकि समाज ने उनको सिखाया है, उनको ऐसे संस्कार दिए हैं कि उनका पूरे समाज के प्रति उत्तरदायित्व है और सबको संदेश है। वो एक अग्रवाल समाज के लिए नहीं है, ये पूरे समाज को कि किस प्रकार संगठित होकर एक रुपया एक ईंट से ही उन्होंने पूरा अपने साम्राज्य का निर्माण किया, उसमें हर आदमी को वो सहूलियत प्रदान की कि जो आज तक उनका नाम चरितार्थ हो रहा है। इस सारी पद्धति को आगे चलाने के लिए इस प्रकार के आयोजन का होना बहुत आवश्यक है। इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक, गांव हमेशा संदेश देता है और आज ऐसा संदेश रोहतक से जा रहा है। और एक शख्सियत ऐसी जिसके बारे में माना जाता है कि सरल और सहज है, और जो सरल और सहज है वही सब कुछ है। सबसे पहले तो लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मैं आपके माध्यम से आपके देखने वालों का सबको इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रकार के आयोजनों में भी अपना समय देकर और यहाँ पर सारी न्यूज़ पूरे देश में फैला रहे हैं, भेज रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। एक बड़ी बात, अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो एक परशुराम जयंती का आयोजन चल रहा है, फिर यहाँ आए हमने वैश्य समाज का एक आयोजन देखा, लेकिन इस आयोजन में कुछ अलग था। अलग इसलिए था कि आप आने वाली पीढ़ियों को जागृत कर रहे हैं। तो क्या लगता है, महाराज अग्रसेन की जितनी धरोहर है, जो विरासत है, उसको आने वाली पीढ़ियां संभालने में कितना तैयार है? देखिए, इसी प्रकार के जो आयोजन होते हैं, जो आज रोहतक में हो रहा था, अशोक बोनी वाला जी ने किया, ये समाज को नव पीढ़ी को जोड़ने का एक पूरा साधन है। नए बच्चों को लाएंगे, क्योंकि महाराज अग्रसेन का जो संदेश है वो एक अग्रवाल समाज के लिए नहीं है, ये पूरे समाज को कि किस प्रकार संगठित होकर एक रुपया एक ईंट से ही उन्होंने पूरा अपने साम्राज्य का निर्माण किया, उसमें हर आदमी को वो सहूलियत प्रदान की कि जो आज तक उनका नाम चरितार्थ हो रहा है। इस सारी पद्धति को आगे चलाने के लिए इस प्रकार के आयोजन का होना बहुत आवश्यक है। एक बड़ी बात, महाराज अग्रसेन जी का जो नियम था वो था भागीदारी का, यानी सबका सहयोग हो तब लोग आगे बढ़े, और आज की तारीख में सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं ना कहीं से उस पॉइंट भी निकल करके आगे बढ़ रहा है? देखिए, आप इसको राजनीति से मत जोड़िए। आज भी हमारे समाज का यही संदेश है कि सबको साथ लेकर चले। आज हमारा समाज जो भी कहीं का भी रहने वाला है उसके मन में ये भावना रहती है कि मैं जिस गाँव का हूँ उस गाँव में तालाब बनवाऊँ, उस गांव में धर्मशाला बनवाऊं, उस गांव में स्कूल बनवाऊं, उस गांव में अस्पताल बनाऊं, उसमें सिर्फ हमारे समाज के बच्चे नहीं पढ़ते, पूरा समाज उसका लाभ उठाता है। तो वो जो नारा था, उस नारे को इस नारे से मत जोड़िए। ये राजनीतिक जो बात होती है वो युग पुरुषों के साथ नहीं जोड़नी चाहिए। ये बड़ी बात है और ये सही भी है। शायद जब हम पत्रकारिता करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ कर निकालें, लेकिन ये अच्छा संदेश था और निकालना यही चाहते थे कि यहाँ वैश्य समाज की बात हो रही है, राजनीति की नहीं। तो क्या देंगे संदेश अपने युवाओं को जो देश के कोने कोने में बैठे हैं, वैश्य समाज से हैं, अच्छी हालत में हैं या बुरी हालत में हैं, वो कैसे निकलें, आगे बढ़ें और एकजुट होकर भारत निर्माण में साथ दें? देखिए, हमारे समाज का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है और रहा भी है और आज भी है, और भगवान की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से इसी प्रकार रहेगा, क्योंकि समाज ने उनको सिखाया है, उनको ऐसे संस्कार दिए हैं कि उनका पूरे समाज के प्रति उत्तरदायित्व है और सबको जो भी सेवा हो सके समाज की करनी चाहिए। अपने समाज के साथ साथ हर बिरादरी की, हर कौम की जो भी जरूरतमंद है उसकी सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना जात पात सबका साथ,
और सबको आगे बढ़ाने की सोच एक ही समाज में हो सकती है, वैसे समाज में, क्योंकि बचपन में हमने भी ढेर सारे सामान के साथ मुफ्त में मिठाइयाँ खाई थी और समाज वही था जो मुस्कुराते हुए आपको मिठाइयाँ भी खिलाता था, व्यापार भी करता था और खुशियों का वो गुल्लक देता था सबको जिसकी जरूरत आज भारत को ज़्यादा है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका।